Assalamu alaikum, 9th class. This is your biology period and I'm your teacher. And previously what we are done, humne kal kiya tha the role of nitrogen and magnesium in plants. Theek hai? Along with that we do a side box. The question was how carnivorous plants fulfill their nitrogen requirement. Theek hai? Now we are going to start our next topic, that is actually the components of human food. I'm skipping one topic, that is on the page number 142. Okay, that is importance of fertilizer. We will definitely do this topic when we will meet in the regular classes. Jab school open ho jayenge aur hamari classes dobara se start ho jayenge, we will definitely do this. ठीक है, टिल नाउ आई एम स्किपिंग दिस एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्चुअली द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड. अगर आप ह्यूमन फूड की बात करते हैं तो ह्यूमन फूड में हम क्या क्या खा रहे होते हैं कंसीडर कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, वी आर टेकिंग द ब्रेड, राइस, पोटैटोज, वी आर टेकिंग मीट, फिश, मिल्क, वेजिटेबल्स, पल्सेस. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम इन्हें कैटेगराइज करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम डूइंग कैटेगराइजिंग द थिंग्स, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप में अगर मैं ब्रेड ले रही हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग राइस, इफ़ आई एम टेकिंग पोटैटोज, मैं इन तीनों चीज़ों को उठा के मैं कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप में रख दूँगी. अगर मैं मीट ले रही हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग द फिश, इफ़ आई एम टेकिंग द मिल्क, तो मैं इन तीनों चीज़ों को उठा के आई विल पुट इट इन द प्रोटीन, मैंने प्रोटीन में ऐड कर दूँगी. अलॉन्ग विद दैट अगर मैं पल्सेस ले रही हूँ, ठीक है, दालें हम खा रहे हैं, तो दैट इज़ अगेन प्रोटीन्स, हमें वहाँ से प्रोटीन्स मिल रहे हैं. अगर मैं एग ले रही हूँ और एग को फ्राई करने के लिए, हर चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए वी नीड ऑयल एंड वेजिटेबल घी, तो मैं उनको वहाँ पे ऑयल और वेजिटेबल घी को कहाँ पे रख रही हूँ, मैं उसको लिपिड्स के ग्रुप में प्लेस कर रही हूँ. अगर हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हमें विटामिंस भी मिल रहे होते हैं, हमें वहाँ पे मिनरल्स भी मिल रही होती हैं. सो ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ फूड, हमारी फूड के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, दे आर 5 or 6 कंपोनेंट्स. फर्स्टली वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिंस. इन दिस टॉपिक हम इन 6 कंपोनेंट्स को 1 by 1 ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट था, दैट वाज एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स. तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ ह्यूमन फूड और बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स और फॉर द ह्यूमंस. अगर मैं ये बोलूँ कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी हमें मिल रही है, दैट इज़ फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, इट विल बी ट्रू, ये सही होगा. ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी मिलती है हमें, वो कहाँ से मिलती है? हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. ठीक है, दैट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस. इसीलिए हमारी जो फूड है उसका प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ब्रेड खा लो, राइस खा लो, पोटैटोज ले लो, दीज आर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, हम सबसे ज़्यादा इन चीज़ों पर रिलाई करते हैं. सो आई एम पुटिंग अ हेडिंग, दैट इज़ एक्चुअली द फंक्शन. फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन हम मैंने क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स. सेकेंड, अगर हम अपनी डाइट को 3 halves में डिवाइड करते हैं तो 3 में से 2 parts हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं. यानी हमारी बॉडी में फुल डे में जितनी कैलोरीज आती हैं उनमें से 2%, ठीक है, यू कैन से अगर 100% जो है वो, तो उसमें 66% जो है वो कहाँ से आ रही हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में से आ रही हैं. आगे करते हैं, तो ग्लूकोज इज़ अ मोस्ट कॉमन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी. एक चीज़ याद रखे, कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने बोला दैट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेड या राइस हमने खाए हैं तो सबसे पहले क्या होगा, इट विल डाइजेस्ट, इसकी डायजेशन होगी और डायजेशन के रिजल्ट में हर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी. ठीक है, एवरी कार्बोहाइड्रेट विल ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. जैसे हमने एंजाइम्स बोला था, प्रोटीन्स बोला था, अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो रहे थे, सिमिलर लाइक कार्बोहाइड्रेट्स विल ब्रोकन डाउन इन टू द ग्लूकोज, ग्लूकोज में होंगे. अब ग्लूकोज से एक्चुअली हम एनर्जी लेते हैं.
ठीक है. सो ग्लूकोज एक्चुअली बेसिकली क्या हुआ, दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट. सो अदर हमारे पास यूजफुल कार्बोहाइड्रेट जो हम ले रहे होते हैं, दैट इज़ माल्टोस है, दैट इज़ लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च. स्टार्च हम पोटैटोज में ले रहे होते हैं, सुक्रोज हमारे पास जो रेगुलर शुगर, टेबल शुगर यूज़ कर रहे होते हैं वो सुक्रोज है. मिल्क में जो शुगर होती है दैट इज़ माल्टोज, जो फ्रूट्स के अंदर होती है दैट इज़ सॉरी मिल्क में लैक्टोज है और फ्रूट्स में हमारे पास माल्टोज शुगर होती है. ठीक है, आगे मैंने लिखा हुआ है नेक्स्ट हेडिंग एनर्जी पर ग्राम, यानी अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी वहाँ से मिलती है. हमें वहाँ से 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम अगर आप रोटी खाते हो तो उसमें 4 किलो कैलोरीज. किलो मीन्स 10, 1 किलो इज़ इक्वल टू 10^3000 के इक्वल होता है. ठीक है, इतनी एनर्जी मिल रही होती है, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमें मिल जाती है यहाँ से. लास्ट वन वी हैव इट्स सोर्सेज, हमें कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज अभी मैंने बता दिया आपको, ब्रेड हैं, पास्तास हैं, बीन्स हैं, पोटैटोज हैं, बान है, राइस हैं, सीरियल्स. ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स. साइड बॉक्स में चलते हैं तो हमारे पास क्या है, सेम वही बात बताई हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, प्रोटीन्स और लिपिड्स भी हैं, ठीक है, हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बट दे आर सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी नहीं है. सबसे पहले बॉडी एनर्जी किससे लेना चाहेगी, कार्बोहाइड्रेट से. प्रोटीन्स और लिपिड्स को हम इसलिए कहते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अगर ह्यूमन बॉडी में अगर बात करते हैं, स्केलेटन को निकाल दें तो ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, मीट है, तो मीट में सबसे क्या है, प्रोटीन्स हैं, और उसके अलावा आपको वहाँ पर चर्बी मिलती है, दैट इज़ एक्चुअली फैट. तो हम इन दोनों चीज़ों को, प्रोटीन्स और लिपिड्स को, बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम दे देते हैं. एनर्जी भी लेते हैं इनसे, बट एनर्जी बाद में लेते हैं इन केस अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल फास्टिंग में, रमज़ान में रोज़ा रखा हुआ है, रोज़ा रखने के केस में क्या होगा, वी हैव टेकन आर सहरी, ठीक है, हमने मॉर्निंग में ली थी और फुल डे हमने विदाउट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग समथिंग हम रिलाई कर रहे हैं. अब बॉडी में क्या थी, वो जो एनर्जी थी, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने मॉर्निंग में कंज्यूम किए थे, बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया, ग्लूकोज बनाया और वहाँ से एनर्जी ले ली. ठीक है, बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट हाफ डे, ठीक है, तब क्या होगा, बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, जो लिपिड्स हैं, वो क्या होंगे, दे विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज और वहाँ से एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टार्ट प्रोटीन्स. प्रोटीन्स से आप फेमिलियर हैं, ठीक है, अमीनो एसिड के टर्म से भी आप फेमिलियर हो, प्रोटीन्स के टर्म से भी. तो प्रोटीन्स एक्चुअली आर कंपोज ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है. तो जब प्रोटीन हम अंडा खाया है, मीट खाई है, फिश खाई है, तो उसको सबसे पहले जब हमने कंज्यूम किया है तो वो डाइजेस्ट किस में होगी, अमीनो एसिड्स में. प्रोटीन्स आर द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. अगर आप याद करो चैप्टर नंबर 4 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके पास क्या था, वी हैव लिपिड बायलेयर और उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में. तो साइटोप्लाज्म में, मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स में और ऑर्गेनेल्स बनाने में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इन्वॉल्व है दैट इज़ प्रोटीन. दे आर ऑल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स. हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं. लिगामेंट्स क्या होते हैं, हमारे मसल्स को बोन्स के साथ अटैच करने के लिए जो फाइब्रस कॉर्ड्स कह सकते हो आप, छोटे छोटे से धागे नुमा चीज़ें होती हैं, ठीक है, दैट इज़ लिगामेंट्स. टेंडन्स क्या होते हैं, जो हमारे मसल को मसल के साथ अटैच कर रहे होते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में क्या है, मसल्स हैं, और मसल्स को एक दूसरे के साथ जो अटैच करो, कौन कर रहा होता है, वो टेंडन्स कर रहे होते हैं. और टेंडन्स भी प्रोटीन्स हैं, लिगामेंट्स भी प्रोटीन्स हैं, और हमारी मसल्स, ऑल दे आर प्रोटीन. प्रोटीन्स को हम यूज़ कर रहे हैं फॉर ग्रोथ. ठीक है, तो अगर हम इसके फंक्शंस की हेडिंग दें तो पहला फंक्शन क्या हो गया, दे आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स, द फर्स्ट वन. सेकंड है, दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स. एंड थर्ड वन, वी यूज प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ. ठीक है, फोर्थ वन, many proteins play as enzymes, we are all know enzymes are proteins. और हमारी body में जितने भी reaction हैं वो सारे कौन कर रहे हैं, enzymes कर रहे हैं. proteins can be used for gaining energy, protein से हम energy भी बना सकते हैं. अभी मैंने आपको ऊपर बोला था fasting की condition में अगर carbohydrates body में available नहीं है तो in case हम किसकी तरफ move करेंगे, towards the proteins.
ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स को हम लेंगे, उसको कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग वी हैव एनर्जी पर ग्राम। हमारे पास एक प्रोटीन, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेंगे तो उसमें भी 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, हमें उतनी एनर्जी मिलती है जितनी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल रही थी। ओके, हमारे पास जो डेयरी सोर्सेज हैं या डाइटरी सोर्सेज हैं, जो हमारी डाइट में प्रोटीन हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, हम मीट से ले रहे हैं, एग से ले रहे हैं, ग्रेन से, ठीक है, पल्सेस जिसे आप कह रहे हो, लिग्यूम से, ठीक है, फलीदार पौधे, ठीक है, बीन्स वगैरह आ जाते हैं इसमें, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड चीज़ से भी हम क्या ले रहे हैं, प्रोटीन। फास्टिंग की कंडीशन में भी बोला था क्या है, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो क्या होगा, फास्टिंग की कंडीशन में प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इन द कार्बोहाइड्रेट्स, हम इसे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे, वहाँ से उसको ग्लूकोज बनाएंगे और ग्लूकोज से फिर नेक्स्ट हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। मैं एक सिंपल फ्लो शीट बना देती हूँ। प्रोटीन, प्रोटीन को हमने कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट चेंज होगी इनटू ग्लूकोज और ग्लूकोज से हम क्या बनाएंगे, एटीपी एनर्जी। सो व्हाट इज़ योर टास्क, आपने क्या करना है, यू फर्स्टली नीड टू मार्क द हेडिंग्स, जैसे मैंने अपनी बुक पे हेडिंग मार्क की हुई है, सिमिलरली आपको हेडिंग मार्क करके इसको लर्न करना है। फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, एज वेल एज दिस कुड बी योर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल, चैप्टर नंबर 8 से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, सो हमें इसको लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपने हेडिंग मार्क करनी है, एंड इन योर प्रैक्टिस देयर शुड बी हेडिंग्स, ठीक है, मैं किसी बच्चे की ऐसी प्रैक्टिस चेक नहीं करूँगी जिसमें हेडिंग्स अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है, सो मेक श्योर, मैं पिक्चर्स आपको सेंड कर दूँगी एंड यू हैव टू मार्क द हेडिंग्स, और चेक करने के बाद फ्रॉम योर बुक आप मुझे अपना वर्क जो है वो प्रैक्टिस की फॉर्म में सेंड करेंगे, एंड यू हैव टू लर्न कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स बोथ। ओके, थैंक यू क्लास।